मेरे प्यारे मित्र नमस्कार। तो आइए हम देखते हैं लेक्चर नंबर 36। क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन का। आज का क्वेश्चन 346 है। कह रहा है कि आपको रॉन्ग कन्वर्जन इसमें से फाइंड आउट करना है, चार ऑप्शन में से। मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू का ये कन्वर्जन है, ठीक है। चलिए 346 का पहला ऑप्शन हम देखते हैं, 1 LB HR फिट स्क्वायर ATM। बुक में फिट क्यों दिखाता, वो गलत है, इसको फिट स्क्वायर कर लीजिए। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में, केजी में, आवर, मीटर स्क्वायर, बार में, ठीक है। तो 1 LB को आप कन्वर्ट करोगे केजी में तो 0.453 केजी हो जाएगा। आवर ऐसा रहने दो, फिट को मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 फिट इक्वल्स टू 0.3048, यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दो। और ATM कन्वर्ट करना है बार में, तो 1 ATM इक्वल्स टू 101325 होता है, तो 1.01325 बार, ठीक। आप इसको सॉल्व करिए, 15.81 अगर हम फिट क्यों मानेंगे इसको और ऐसे ही अंदाजन करेंगे तो फिर 15.81 वैल्यू आएगी। अगर फिट स्क्वायर लेके चलेंगे तो ये वैल्यू 4.8182, मतलब इस हिसाब से 4.8182 केजी पर आवर मीटर स्क्वायर और बार ए यूनिट होगी। और इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसमें कन्वर्जन में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। कन्वर्जन दूसरा देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे हम कि बी ऑप्शन केजी आवर मीटर स्क्वायर ATM, ठीक। इसको केजी को झोंके तो रखो, ऐसे रहने दो। आवर को भी झोंके त्यों आपको रखना है, मीटर स्क्वायर को भी ऐसे रखना है, और जो ATM है उसको बार में कन्वर्ट करना है। तो 1.01 101325 बार, ठीक, सेम ऐसे रखना है। अब इसको आप सॉल्व करिए, जब सॉल्व करोगे तो 1 से कुछ कम आएगी, 0.98687। कैलकुलेटर का भी यूज कर रहे हो तो एक दिमाग में रख लीजिए, इसकी वैल्यू माइंड में इतनी आनी चाहिए, सॉल्व करने से कभी गलती हो जाए तो दोबारा उसको सही कर सको। माइंड में होगा सोच लीजिए कि कम से कम इतनी वैल्यू आएगी, इससे ऊपर वैल्यू, ऐसे कम वैल्यू आएगी तो गाड़ी आपको लग जाएगा, तो एरर होने चांस कम से कम होंगे। केजी अपॉन आवर मीटर स्क्वायर और बार, ठीक, बिल्कुल सही ऑप्शन है वी ऑप्शन में यही वैल्यू दी है। सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी ए और बी दोनों सही निकले। सी चेक करते हैं कि 1 LB अपॉन आवर फिट स्क्वायर, LB आवर फिट स्क्वायर, ठीक है। जो वैल्यू है उसको मुझे कन्वर्ट करना है केजी में, आवर जो कहते हैं और मीटर स्क्वायर करना है। 1 LB इक्व टू 0.4536 केजी होता है, आवर को एज इट इज रखो, फिट को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.3048 का स्क्वायर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, जो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो 4.88
टू थ्री ये वैल्यू आएगी और ये हो जाएगा आपका केजी आवर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं की गई। अब हम चेक करते हैं डी ऑप्शन, जो ऑप्शन डी है उसको चेक करते हैं। डी है कि वन केजी, अच्छा इसमें कुछ चेक नहीं करना है। देखिए ऊपर का ऑप्शन बिल्कुल सही है और इसमें उल्टा किया गया है, वन केजी पर आवर मीटर स्क्वायर वैल्यू निकालनी है एलबी की टर्म में। तो जब वन अपॉन 4.8 करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो लेस देन कितनी आएगी, वन आएगी, बट यहाँ 4.8 दिया है, मतलब इसने न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट वैसे रख के उल्टा कर दिया, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई। तो डी ये गलत है। ठीक, इसकी जो वैल्यू आएगी वन के जी पर आवर मीटर स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन 4.8। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तो मानना पड़ेगा 0.2048 इतनी वैल्यू आएगी, 48.2048 एल बी आवर फिट स्क्वायर ये वैल्यू आएगी, बट दी कितनी है 4.8, होने के नहीं चाहिए 0.2048, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। चलिए तो ये थे हमारे कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चन, कन्वर्जन क्वेश्चन इतने ही हैं, इससे ऊपर नहीं है। चलिए अब आसान से क्वेश्चन हैं जो जल्दी से आप कर सकते हो, उनको देखो। यूनिट ऑफ पावर, पहला ऑप्शन जूल, जूल एनर्जी की यूनिट होती है इसलिए गलत है, काट दो। बाट, बाट पावर की यूनिट है। जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड भी पावर की यूनिट है। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक, तो वी और सी दोनों है, बोथ वी एंड सी। 347 का डी आंसर है। 348 देखो, बिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूनिट ऑफ लेंथ। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, तो ए भी लेंथ की यूनिट है। ठीक, ए भी जो है कैसी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। पारसेक भी लेंथ की यूनिट है, पारसेक मैंने आपको लिखवाया था, पारसेक क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर को बोलते हैं, और वन लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 10^-15। तो सॉल्व करेंगे तो वन पारसेक इक्व टू 3.08 गुणा 10^16 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो पारसेक भी हमारी यूनिट है, ये सही ऑप्शन है, लेंथ की यूनिट है, एंगस्ट्रॉम भी है, फर्मी भी है। स्टूडेंट कह रहे सर फर्मी क्या होता है, वन फर्मी होता है 10^-15 मीटर, ये भी क्या है, लेंथ की यूनिट है। बार्न ऐसी यूनिट है जो लेंथ की नहीं है। ठीक, ये नई यूनिट होगी मुझे लगता है, साहब शायद आपने पहली बार सुना होगा। तो ये लेंथ की नहीं, फिर है किसकी, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। वन वार्न जे एरिया की यूनिट है, 10^-28 मीटर स्क्वायर ये वैल्यू होती है इसकी। चलिए 349 क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 348 का सी, 348 का सी ऑप्शन हो गया। 349 क्वेश्चन देखिए, कह रहा वन माइक्रोन इक्वल टू द, वन माइक्रोन इक्वल टू द, वन माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर 10^-6 मीटर और 10^-4 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 10^-4 सेंटीमीटर। ठीक, बी आंसर है 349 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 350 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम मोल ऑफ द गैस। ठीक, आपको मालूम है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं किसी भी गैस के, अगर वो गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है या फिर किसी भी सॉल्ट के जो किसी कंपाउंड फॉर्म में है या फिर किसी भी ऐसी सबस्टांस के गैस के जो कि सिंपल एटॉमिक फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रिडान जैसी गैसेस हैं जो अक्रिय गैसेस हैं, नियॉन जो कि एटॉमिक फॉर्म में है, तो उसमें उतने नंबर ऑफ एटम होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, और अगर कंपाउंड फॉर्म में उतने नंबर ऑफ कंपाउंड के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, तो बट 1 ग्राम मोल में होते हैं, 1 किलो मोल में नहीं होते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका।
तो 350 क्वेश्चन का आंसर है सी। देखिएगा क्वेश्चन ऑप्शन कैसे बने हैं, एक ग्राम में है, नहीं ग्राम में नहीं है, एक किलोग्राम में है, नहीं किलोग्राम में भी नहीं है, एक ग्राम मोल में, हाँ ग्राम मोल में है, ग्राम मोल या फिर मोल कुछ ऑप्शन दे सकता है, तो ये सही आंसर है। लीटर में भी नहीं है, एक मोल या फिर एक ग्राम मोल का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है एट NTP, STP भी इसकी वैल्यू चेंज होती है, बट NTP STP दोनों को आप 22.4 एनोमेरिकल वैल्यू ले सकते हो, और टेम्परेचर 273 आपको लेना है, एनोमेरिकल सॉल्व करते समय, ठीक थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इसको 273 लेते हैं हर बार। चलिए फिलहाल ये थे आज के 350 क्वेश्चन, अभी इसमें गेट के 100 क्वेश्चन रह गए हैं जिनको हम जल्दी ऐड करेंगे। और देखो हम आपको बता दें कि जो पूरी सीरीज है हमारे यूपी गुप्ता की, उसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिलीवर किया गया है, और उसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। आप देखोगे कि दिल्ली में जो टीचर गेट के टीचर पढ़ाते हैं एक एक सब्जेक्ट को सॉल्व करने के PYQ के, वो 2000 3000 4000 पे कर रहे हैं, मतलब आप चार्ज करते हैं, बट हमारा यह PYQ का सारा सेशन फ्री ऑफ कास्ट है, मतलब इसके साथ में ही आपको मिलेगा, इसमें अलग से फीस आपसे नहीं ली जाएगी, ठीक। तो पूरा जो भी सब्जेक्ट हमारा उपयोग होता है, जो भी क्वेश्चन दिए हैं, चाहे 350 हैं, 450 हैं, 800 हैं, 1200 हैं, पूरे सॉल्व करवाएंगे और विद गेट के ऑल क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक। तो ये कंटेंट की शक्ति है, इसको समझिए। जब आप कंटेंट हमारा पढ़ेंगे, हमारा कोई फुल सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आप फुल सब्जेक्ट पढ़ने के बाद थ्योरी सब्जेक्ट, जैसे न्यूमेरिकल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल थ्योरी, फिर उसी टॉपिक का न्यूमेरिकल, उसी टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस तरीके से डिलीवर किया गया है कि उसको पढ़ के आप पूरा उपयोग सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ आवर कंटेंट। तो जब आप हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको, तो वो चौंक जाते हैं कि सर मतलब एक सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया है PRE, अब हम पूरा PRE सॉल्व कर सकते हैं, ये कंटेंट की ताकत है। जब आप हमसे थर्मोडायनेमिक्स पूरा पढ़ते हो तो आप पूरा थर्मोडायनेमिक्स सॉल्व कर सकते हो, जो कंटेंट की ताकत है। जब FM आप पढ़ते हो तो वो सारे बेसिक हमारे क्लियर हो जाते हैं, जो कभी तक आपके सॉल्व हुए नहीं थे, तो बेसिक समझ नहीं आता था आपको, है ना। आप हमारे मैकेनिकल ऑपरेशन उबाल के मत लीजिए, मैकेनिकल ऑपरेशन जो हमने पढ़ाया बहुत ही सुपर सब्जेक्ट है, और उसमें लास्ट में हमने 100-200 क्वेश्चन गेट के वो भी करवाए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सुपर तरीके से डिलीवर किया गया है। एक एक टॉपिक को अच्छे चबा चबा के समझाया गया है। मैकेनिकल ऑपरेशन और FM बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और FM हमारा वाला वो सब्जेक्ट है जो आपने कॉलेज में उसका महज 10% ही पढ़ा होगा, ठीक। तो हमारे कॉलेज वाले सब्जेक्ट से हमारे किसी सब्जेक्ट को कंपेयर नहीं करना है आपको। हम जब पढ़ रहे कॉलेज में पढ़ाया करते थे तो उस समय हम पूरे कंटेंट में मात्र 20 से 25 घंटे देके सिलेबस पूरा कर देते हैं, बट हमने 25 घंटे के मुकाबले हमारा जो सब्जेक्ट FM का है या फिर मैकेनिकल ऑपरेशन का है उसमें हमने 1200 घंटे लगाए हैं। कहाँ 25 घंटे और कहाँ 1200 घंटे, समझ सकते हो ना। तो ये बहुत बड़ी पावर है कंटेंट में, इसको फील करिए आप, इसको पढ़िए, ठीक। और किसी के बहकावे मत आइए, पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन 100% होना तय है। अभी एक एग्ज़ाम आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, और किसी न किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन आपका होना तय है। अगर आप 3 महीने हमसे पढ़ चुके हो, अच्छे से पढ़ा है, तो मैं गारंटी देता हूँ पहले पेपर में आपका सिलेक्शन होगा, किसी का हो या ना हो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक। तो बने रहिए हमारे साथ और कंटेंट को पढ़िए, अपने दोस्तों को बताइए। अब तक हमने जो 1400 स्टूडेंट पढ़ाए हैं, उन 1400 में से 290 से ज़्यादा गवर्नमेंट सिलेक्शन है। दिस इज़ द पावर ऑफ केमिकल ग्रुप, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से पढ़िए और भरोसा रखिए हमारे कंटेंट पर, क्योंकि ये मेरा प्राउड नहीं है, ये मेरा बिलीव है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की आपके लिए। 24 आवर हम आपके डाउट सॉल्व करते हैं, आप हमसे पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, मगर हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं आपके डाउट सॉल्व करने के, ठीक। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 75-74-02-30-54, ठीक। जो पहला वाला नंबर था 997 वाला, वो भी जल्दी चालू हो जाएगा, कुछ दिनों के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम रही थी, ठीक है, बट ओके। फिर मिलते हैं, नमस्कार।